आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें हमको आज पढ़ना है हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले हम आज देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। यहाँ हम देखते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। तो देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर में CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, सपोज माना यहाँ पर जैसे कोई भी एक हाइड्रोजन हो या Cl हो, तो वो H माइनस गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ ये क्या है, डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा लूज होते हैं। तो इस पाई बॉन्ड के मतलब पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, तो वीक होते हैं। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, इधर जंप कर जाते हैं। यहाँ जंप कर जाएंगे तो इससे क्या होगी, एक स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं, CH2। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप करेंगे तो ये क्या आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ जंप किया, इसके पास क्या हुआ, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर देखने में दोनों क्या है, सेम है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सेम इसी तरह से हम लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ ये जो है दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास में प्रेजेंट है। इस दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, या इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। कि जैसे क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पर कोई भी एक अगर CH3 है तो एक H प्लस गया, तो जो वो एक तो क्या होगा, इस कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन, और एक क्या हो गया, जो H प्लस बाहर गया उसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो इस तरह से ये जो होते हैं नेगेटिव साइन का मतलब होता है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, या इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, ये क्या होंगे, ये इधर आना चाहेंगे। तो जैसे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज होते हैं या पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, सेम इसी तरह से क्या होता है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, लूज होते हैं। तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ होगी, ये यहाँ आना चाहेंगे तो ये यहाँ आएंगे, और ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके पास में चले जाएंगे। तो इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगी हमारी, CH2, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इधर आए, तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी क्या हो गई हमारी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3-2, ये होता है कार्बोनेट आयन। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनती है, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये होती है कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो ये है, ये लोन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर आना चाहेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो इससे क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी CO-, यहाँ O- और ये डबल बॉन्ड O। अब जैसे क्या हुआ, यहाँ पर इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की, सेम इसी तरह से क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला भी कर सकता है। तो इससे क्या बनेगी, अगर ये वाला जाता है तो ये यहाँ और ये इस तरह से, तो क्या बन जाएगा हमारा, CO- डबल बॉन्ड O और ये O
नेगेटिव। तो ये तीनों क्या होती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और एक कंपाउंड की बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो हम देखते हैं कि वॉट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है, देखिए अब। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होना, या इसमें बोल सकते हैं हम मोमेंट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, रेजोनेंस क्या होता है, देखिए रेजोनेंस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक शिफ्टिंग, शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, या मोमेंट, डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है यहाँ पर, और एक हमने एग्जांपल देखा था, सेकंड एग्जांपल उसमें क्या था, लोन पेयर का हो रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग या मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक लोन पेयर विद इन द कंपाउंड, विद इन द कंपाउंड। तो रेजोनेंस क्या होता है, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक लोन पेयर विद इन द कंपाउंड की। और ये क्या होता है, हमेशा कंपाउंड के अंदर ही होता है। तो रेजोनेंस की देखिए सेकंड कंडीशन क्या होता है, इट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना, मतलब ये जो होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी वो क्या होगी, सिर्फ कंपाउंड के अंदर ही होगी, उसके बाहर में नहीं होगी। तो इसकी सेकंड कंडीशन होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना। इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ही होना, इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो है वो है ये, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। थर्ड है हाइपोथेटिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि जहाँ ये हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है, हम इसको बस ये हम सोच सकते हैं, हमें नहीं पता कि इसमें हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये रियलिटी में हमें पता नहीं चलता, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। और जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है, मतलब हमने खुद ने ऐसा सोचा है कि ऐसा हो सकता है, कि उस पर उसमें होता है नहीं होता ये हमें नहीं पता। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, इमेजिनरी। ठीक है, तो अब हम कैसे बताते हैं कि इसमें कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो जैसे अगर हम देखिए, जैसे बेंजीन को हम बनाते हैं, बेंजीन की एक स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। इसी में अगर हम रेजोनेंस देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को क्या बनाते हैं, यहाँ ये इस तरह से बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या था, जहाँ पाई बॉन्ड था वहाँ सिग्मा आ गया, पाई बन गया। तो हमने ये सोचा है कि ए दो स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है, पर एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होती है इसकी वो क्या होती है, वो हम इस तरह से बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मूवमेंट होता रहता है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन की क्या होती है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। तो इसी तरह से हमने कार्बोनेट आयन की जो इतने तीन स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये क्या होती है, हाइपोथेटिकल होती है। और इस स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो इनकी जो होती है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन जो होगा, मतलब कंबाइंड करके जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या होती है कि उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड बोलते हैं। और हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर होती है। तो हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड क्या होता है, सारी जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो अब हमको ये बनाना है कि हाइब्रिड हम कैसे बनाते हैं, कि हाइब्रिड को बनाना सीखते हैं। तो
तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर व्हाइल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। देखिए हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, इसकी एक स्ट्रक्चर हमने क्या बनाई थी, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इस कंपाउंड की हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी। अब इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड, अब इन दोनों को कंबाइंड करके हमको एक स्ट्रक्चर बनानी है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो देखिए इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, जो जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, जैसे CH2 CH CH2 ये कॉमन है, ये लिख दिया, यहाँ भी पाई बॉन्ड आ रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम कैसे बताएंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ क्या हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बनता है, इसको बोलते हैं हम हाइब्रिडिक, और ये क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर होती है। तो अब जैसे मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक क्या करेगा, जैसे मान लो Cl- का अटैक है, तो वो क्या होगा, इस कार्बन पर भी कर सकता है और इस कार्बन पर भी कर सकता है। सेम इसी तरह से हमने सेकंड एग्जांपल लिया था, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, इसकी अगर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसे, इसका एक और क्या बना था, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव ये था। अब इसका अगर हमको हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनेगा, जो कॉमन है उसको लिखेंगे CH2 CH CH2, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया हाइब्रिड, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, तो ये तो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस से में क्या होता है, कि क्या सभी मॉलिक्यूल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती है, तो नहीं बन सकती। तो जहाँ पर क्या होता है कि लोन पेयर होगा, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वहाँ पर रेजोनेंस होने के चांसेस हैं, वहाँ भी हम ये नहीं कह सकते कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, रेजोनेंस के लिए कोई कंडीशंस होती है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल होती है रेजोनेंस के लिए कंडीशंस, और रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है, कॉन्जुगेशन, मींस क्या है इसका, कि जहां पर कॉन्जुगेशन होगा वहां पर रेजोनेंस होगा ही होगा, तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या हो गई, कॉन्जुगेशन। अब देखिए हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन कैसे होता है। अब देखिए कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, या हम ये कहेंगे कि कॉन्जुगेशन को हम कैसे देखते हैं। तो कॉन्जुगेशन के लिए भी हम देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट हम कॉन्जुगेशन के लिए देखेंगे कि अगर पाई, एक पाई बॉन्ड हो, एक सिग्मा हो और पॉजिटिव चार्ज हो, या इसको हम बोल सकते हैं वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, तो वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव ये है, तो देखिए यहां पर क्या है, ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड उसके बाद पॉजिटिव, और ये क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब एक एक छोड़कर, जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव इस तरह से है, तो यहाँ पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन होगी पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये लोन पेयर ही होते हैं, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन सिस्टम, कॉन्जुगेटिव सिस्टम है ये सारे के सारे। इसके बाद थर्ड हम लेते हैं, अगर पाई सिग्मा और एक फ्री रेडिकल हो, इसको हम आगे देखेंगे, फ्री रेडिकल हो तो वहाँ पर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। फोर्थ इसमें कंडीशन देखते हैं हम, पाई सिग्मा और पाई हो, पाई सिग्मा पाई हो तो वहाँ पर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इसके बाद फिफ्थ हम देखते हैं उसमें क्या है, लोन पेयर सिग्मा और
पॉजिटिव चार्ज हो, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक कंपाउंड इसके ऊपर लोन पेयर हो, उसके बाद सिग्मा हो, उसके बाद बी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो यहाँ भी क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस हम किसको कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल की। यहाँ सब में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल या लोन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव या वेकेंट पी ऑर्बिटल वाले एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये करवा दिया। इसको दोबारा हम लेते हैं एग्जाम्पल इसमें, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि सबसे पहले हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी भी बन सकती है उन वो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको बनानी है। तो यहाँ क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ये कौन सा है देखो, पाई सिग्मा और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये CH2 CH CH2, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद हम दूसरी और इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब इसका हम साथ के साथ क्या बनाते हैं, हाइब्रिड भी बनाते हैं। तो हाइब्रिड देखिए कैसे बनता है, कार्बन जो जो कॉमन है वो लिख दिया CH2 CH CH2, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको दोबारा लिखते हैं CH2 CH CH2। अब पाई बॉन्ड यहां भी है, यहां भी है, पॉजिटिव चार्ज यहां भी है और पॉजिटिव चार्ज यहां भी है, तो ये क्या बन गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये इसका बन गया हाइब्रिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये और ये है पॉजिटिव। अब इसके हमको अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, तो ये क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। और इसके इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके अलावा हम इसके बाद हम कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो इस कंपाउंड की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, जो कॉमन है वो लिख दिया, पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है और यहाँ है, तो डेल पॉजिटिव और ये डेल पॉजिटिव, तो इसकी क्या हो गई, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये अब देखिए हमको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये कौन सा है देखो, पाई सिग्मा और पॉजिटिव वाला ही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से ये बॉन्ड जैसा है उसको एज इट इज रख दो, ये यहाँ गए, ये बॉन्ड ये बन गया, इसके बाद में इधर क्या आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब देखो इसकी क्या होगी, दो से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ शिफ्ट हो गए, तो क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड और इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद हम नहीं बना सकते। अब इसकी हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, जो कॉमन है उसको बनाया, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहे, यहाँ यहाँ और यहाँ आ रहे, तो डबल बॉन्ड बनाया। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसका बन गया हाइब्रिड। कि कोई भी इसमें क्या होता है, कोई नेगेटिव वाला कोई भी कम अगर रिएजेंट आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ यहाँ और यहाँ ही अटैक कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं,
CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस बॉन्ड को अगर सोचें कि इसको तोड़ना है, तो ये पाई सिग्मा सिग्मा, तो इस वाले बॉन्ड को हम नहीं तोड़ेंगे। ये कौन सा बन रहा है, पाई सिग्मा और पॉजिटिव, तो हमें कौन से बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन तोड़ने पड़ेंगे, इस वाले पाई को। तो यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो बाकी का जैसा है वो एज इट इज रहेगा। और CH2 इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की वजह, इसके ऊपर डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, ये एज इट इज, ये यहाँ गए यहाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ये पॉजिटिव। इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो यहाँ जाने के बाद क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ बॉन्ड, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH2 पॉजिटिव। अब देखिए इस कंपाउंड की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर हमें एक जैसी लगती है, पर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ पहले जहाँ पाई बॉन्ड था वहाँ क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, और जहाँ पर पहले सिग्मा बॉन्ड था वहाँ पर क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसकी दोनों स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। अब इसका अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं तो कैसे बनेगा, इसका हाइब्रिड जो सेम है उसको वैसा का वैसा लिख दिया, उसके बाद पाई बॉन्ड क्या है, सारी तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, इस तरह से बन गया, ऊपर CH2 है, यहाँ पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पर भी आ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है, और इसके बाद क्या है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लो हमको Cl का अटैक कराना है, अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होता है कि जैसे हमको Cl का अटैक कराना है, अब Cl का अटैक क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन होती है ऑर्थो, ये कौन सी होती है मेटा, और ये कौन सी होती है पैरा। तो Cl का जो अटैक होगा हमेशा क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहीं पर ही हो सकता है, तो या तो वो ऑर्थो पर करेगा या पैरा पर करेगा, कभी भी मेटा पर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए इसका हमको अगर बनाना है तो हम कैसे करेंगे। अगर हम इस बॉन्ड को देखते हैं तो ये क्या हो गया, पाई सिग्मा सिग्मा या पाई सिग्मा पाई हो गया, हमें कौन सा बनाना है, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, तो ये कौन सा है, पाई, ये सिग्मा और ये पॉजिटिव, तो हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस वाले बॉन्ड के अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ के ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और इधर आ गया पॉजिटिव, ये दोनों एज इट इज। इसके बाद में क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ शिफ्ट हुए तो इससे क्या बनेगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इधर पॉजिटिव, इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हुए तो पॉजिटिव, और ये इसके बाद में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा अपने, यहाँ क्या हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये पॉजिटिव बन गया। तो इसकी कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 क्या होंगे, ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब इसका अगर हमको हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जो कॉमन है उसको वैसा का वैसा बनाएंगे। पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पे पूरे में घूम रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड हो गया, इसके बाद क्या है, ये भी था, तो यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज क्या है, इधर भी है,
पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, इसके अलावा पॉजिटिव देखिए कहाँ आ सकता है, यहाँ पॉजिटिव है, इसके बाद में यहाँ पॉजिटिव है, इसके बाद में यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इसकी हो गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या है, पाई सिग्मा पाई है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये यहाँ आया इधर पॉजिटिव, ये बॉन्ड एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए इधर पॉजिटिव, इसके बाद हम नहीं बना सकते और इसकी क्या होगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या होगा जो से कॉमन है वो वैसा का वैसा बनाया, इसके बाद में पाई बॉन्ड के यहाँ आ रहा है, इसके बाद में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए अगर हमको ये देखना है NH3 पॉजिटिव, तो इसमें बताइए क्या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं और बनेंगी तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। तो देखिए अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए ये जो बॉन्ड है पाई सिग्मा और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये NH3 डबल बॉन्ड। तो क्या ये पॉसिबल है, देखिए कि यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 3 और 2 5 हो गई, जबकि नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा क्या हो सकती है, 3 ही होती है, कभी भी 5 नहीं होती है, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटा वैलेंट, नाइट्रोजन कभी भी क्या होता है उसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, वो पेंटा वैलेंट नहीं होता। अगर उसके ऊपर क्या होगा 4 किस कंडीशन में हो सकती है, अगर 4 होगी तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, पर यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो रही है 5 हो रही है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 0, ओके। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल पाई सिग्मा पॉजिटिव टाइप के एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसके बाद में पाई सिग्मा लोन पेयर के एग्जांपल। पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर या इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा ही था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा CH2, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ नेगेटिव CH, CH2 डबल बॉन्ड, ये बन जाएगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं तो कैसे बनता है, जो कॉमन है उसको लिखते हैं CH2 CH CH2, पाई बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, NO3-2, इसकी स्ट्रक्चर अगर हमको बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखो N डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, देखो ये पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो कहीं से भी हम इसको घुमा सकते हैं, जैसे सबसे पहले अगर इसको यहाँ से घुमाएं तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इससे क्या बनेगी नाइट्रोजन O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड हो और ये ओ नेगेटिव, इसी तरह से अगर ये वाला भी घूम सकता है तो कैसे घूमेगा, नाइट्रोजन यहाँ क्या आ गया, इसको हम वैसे ही रखेंगे ओ नेगेटिव, यहाँ
ओ नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड ओ। तो नाइट्रोजन की हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, जो कॉमन है उसको वैसा का वैसा लिखते हैं। इसके बाद पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ भी और यहाँ भी आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। अब इसकी अगर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर ये जो दो लोन पेयर है वो क्या है, नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे इसके, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद में ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो इससे क्या बनेगा, CH2CHNH2। तो यहाँ क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कि हम क्या देखते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर इसकी बनेंगी, इससे हम इसका अगर हाइब्रिड बनाते तो क्या बनेगा, CH2CHNH2। पाई बॉन्ड यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं कि जितनी भी रेजोन, एक हम रूल देखते हैं कि रूल देखिएगा, फर्स्ट रूल हम देखते हैं क्या है रेजोनेंस में, कि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उन सब के, जितनी भी बनेगी उन सब पर चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर चार्ज डिफरेंट आ रहा है तो वो क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी इक्वल, क्या होना चाहिए, द टोटल चार्ज ऑन All resonating structure must be equal। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी resonating structure है उन पर charge क्या होना चाहिए, equal होनी। जैसे कि suppose ये structure है, इसमें क्या है, यहाँ charge क्या है, neutral, ये क्या है, neutral species है, ये neutral species है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर +1 है, तो ये भी ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो यहाँ भी ये भी न्यूट्रल स्पीशीज, ये भी न्यूट्रल स्पीशीज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी भी, अगर किसी भी कंपाउंड की जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उन सब पर चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। द टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी इक्वल। इसके बाद हम सेकेंड रूल हम देखते हैं, पोजिशन ऑफ एटम लिखते हैं यहाँ पर सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है पोजिशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। मतलब कि यहाँ हम देखते हैं जितनी भी स्ट्रक्चर थी, जितनी भी हमने स्ट्रक्चर्स बनाई उनमें क्या किया था, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, एटम अपनी जगह से कहीं पर भी नहीं जा रहा था, वो जहाँ था वो वहीं का वहीं था। अगर तो क्या बोलते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए कंडीशन क्या, पोजिशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है कि जो एटम है वो अपनी जगह रहेगा, एटम अपनी जगह से नहीं सरकेगा। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम ये बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड COH और ये H, ठीक है। तो ये बताइए, हमें देखने में ये लगता है कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो एटम, हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चल गया, मतलब एटम की शिफ्टिंग हुई है। तो ये एटम की शिफ्टिंग या हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग होती है उसको हम रेजोनेंस नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो रेजोनेंस में हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, कभी भी एटम की शिफ्टिंग नहीं होती है। तो आइए हम एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसके पास लोन पेयर है। तो ठीक है, अब क्या होगा, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, CH2
CH इसके पास OH पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। इसकी हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, जो कॉमन है उसको सेम वैसा का वैसा लिखेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये हो गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड, इधर NH2 पॉजिटिव और इसके पास में क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद में क्या होगा, ये लोन पेयर जो है ये यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इससे क्या बनेगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और यहाँ ये नेगेटिव, ये बॉन्ड एज इट इज। इसके बाद में ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, तो इससे बनेगा यहाँ लोन पेयर, इधर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। इसके बाद में ये यहाँ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन को वापस मिल जाते हैं तो क्या बनेगा NH2, ये लोन पेयर इसके पास वापस आ गए। तो अब इसकी अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जो कॉमन है उसको सेम वैसा का वैसा लिखते हैं, पाई बॉन्ड पूरे में घूम रहे हैं, उसके बाद NH2 पाई बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, इसके बाद इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है यहाँ यहाँ और यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। OH इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये क्या हो गया सेम उसी तरह से ही होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड OH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, OH पॉजिटिव। इसके बाद में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, OH पॉजिटिव। इसके बाद ये यहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इससे क्या बनेगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर OH और इसके ऊपर वापस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड पूरे में था, OH यहाँ पाई बॉन्ड था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ये हमारे थे सेकंड टाइप के एग्जांपल, किसमें कौन से थे, पाई सिग्मा और लोन पेयर वाले। अब हम नेक्स्ट थर्ड टाइप लेते हैं, पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा और ये होता है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। देखिए अब इसका क्या मतलब होता है कि जैसे अगर हम लेते हैं एक कंपाउंड है ए बी, ठीक है, यहां जो ये बॉन्ड है ये है कोवलेंट, ठीक है। अब अगर हम ये लेते हैं कि इसमें हम मानते हैं कि अगर B की इन दोनों में से किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब हम ये मान लेते हैं अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, ये जो है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींच लेगा,
बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींच लेगा, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम लेते हैं, अगर ए ए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ये मानते हैं कि दोनों जो एटम है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं जा पाएगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में आ जाएगा, तो एक क्या करेगा, तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, इस तरह से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो क्या बनेगा, ए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए इसको क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होती है, ऑड स्पीशीज होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। और यहाँ इसमें क्या होता है, एक के पास ज़्यादा चले गए, तो इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये रेडिकल, ठीक है। अब इसको अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगी, देखिए ये यहाँ आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ये बन जाएगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, CH2 यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, तो यहाँ भी रेडिकल आ सकता है, यहाँ भी रेडिकल आ सकता है। अब देखिए हमने इसको बना तो दिया, एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ये स्ट्रक्चर थी, सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये रेडिकल इसके पास था, इससे अगर हम बनाए, ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक होगा, तो एक इसके पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो क्या बनता है, CH2 इसके पास रेडिकल है, इसने ले लिया एक रेडिकल और ये रेडिकल, तो ये दोनों क्या होंगे, इसके पास है, इसके पास है, तो ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना देते, तो इससे क्या होती है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, CH2 रेडिकल। अब देखिए अगर इसमें हम देखते हैं तो क्या होता है, ये कौन सा है, पाई सिग्मा रेडिकल वाला, तो यहाँ पाई सिग्मा रेडिकल है, तो क्या होगा, यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये क्या होंगे, यहाँ जाएंगे, तो इससे क्या बनेगा, ये जो बॉन्ड है वो एज इट इज, यहाँ रेडिकल, ये डबल बॉन्ड CH2 बना लेंगे, इसके बाद में ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ और ये रेडिकल, इसके बाद ये यहाँ गया, यहाँ रेडिकल डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद में क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ क्या हो गया, CH2 रेडिकल बन गया। तो इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनेगा, इलेक्ट्रॉन CH2 बॉन्ड यहाँ भी था, यहाँ रेडिकल आ सकता है, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये हो गए थर्ड टाइप के एग्जांपल, अब है फोर्थ टाइप के पाई सिग्मा पाई। पाई सिग्मा पाई, इसका हम अब एग्जांपल लेते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, इसके बाद हम लेंगे CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, पाई सिग्मा और ये पाई हो गया, पाई सिग्मा और पाई का हम इसमें एग्जांपल अब देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, टूट जाएंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ।
अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये बॉन्ड भी टूटेगा, पाई है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से भी तोड़ सकते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अब हमें देखना है कि इस बॉन्ड को किस तरह से हमें तोड़ना है। तो देखिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये है। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग किस साइड में होगी, इस साइड में होगी। तो इससे हम क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर इसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब क्या हो गया ये पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, ये बॉन्ड जो है पाई सिग्मा पॉजिटिव में, ये बॉन्ड यहाँ, तो इससे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CH2 CH डबल बॉन्ड, तो इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव और यहाँ आ गया O नेगेटिव। तो इसकी क्या हो जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो सी कॉमन जो है CH CH और O, इसके ऊपर क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसकी हो जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, पाई सिग्मा पाई का ही अगर एग्जांपल देखते हैं, तो डबल बॉन्ड ओ और ये, तो ये क्या है पाई सिग्मा पाई, तो यहां पर भी होगी इलेक्ट्रॉन की मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इधर है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरह से होगी, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है तो ये बॉन्ड भी क्या होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, सबसे पहले यहां हुआ तो इसके इसने इलेक्ट्रॉन लिए नेगेटिव, ये बॉन्ड गया तो यहां इसके पास क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या हो गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगी, ये यहाँ क्या आ रहा है पाई बॉन्ड, यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसके बाद में पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और कहाँ है पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं, इसके बाद यहाँ ओ, इसके ऊपर बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या होता है, ये पाई ये सिग्मा और ये पाई, तो ये क्या होगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो इससे क्या होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड एज इट इज ये यहाँ शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सी इधर ओ नेगेटिव और इधर एच आ जाएगा। तो इसके बाद में क्या होगा, ये हो गया पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे बनाएंगे तो क्या बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसके बाद क्या होगा ये पाई सिग्मा पाई वाला, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो यहाँ बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड भी यहाँ क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होने से क्या बनेगी इसकी, ये यहाँ बॉन्ड आ गया सी और इसके पास क्या था, ये ओ नेगेटिव था, यहाँ ओ नेगेटिव, यहाँ भी क्या था ओ नेगेटिव, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ एच आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इससे क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो इसके अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, सी ओ एच पाई बॉन्ड यहाँ घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, इसके बाद में पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पाई बॉन्ड और इधर नेगेटिव चार्ज, तो ये इसकी हो गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। तो ये हो गए हमारे टाइप फोर्थ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं टाइप फिफ्थ लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव वाले।
लोन पेयर, फिफ्थ टाइप है लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव या वेकेंट पी ऑर्बिटल वाले। अब इसमें हम एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, सी एस थ्री एन एच सी एच टू पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सी एस थ्री एन एच सी एच टू पॉजिटिव और यहाँ ये लोन पेयर थे, तो लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए। तो देखिए यहाँ क्या हो गया कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है ये क्या होंगे, इधर जाएंगे। तो ये लोन पेयर क्या था, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी सी एस थ्री एन एच डबल बॉन्ड, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका, तो डबल बॉन्ड इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका अगर अपन हाइब्रिड बनाते हैं तो क्या बनेगा, जो कॉमन है वो लिखेंगे पाई बॉन्ड, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सी एस थ्री ओ सी एच टू पॉजिटिव। यहाँ भी क्या होगा, इसके ये जो लोन पेयर है ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ शिफ्ट हुए तो सी एस थ्री ओ सी एच टू, यहाँ डबल बॉन्ड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे सी एच थ्री ओ सी एच टू। तो यहाँ पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सी एच टू पॉजिटिव, सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ एच। अब देखिए ये कौन सा है, अगर इधर देखते तो पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला है, इधर देखते तो पाई सिग्मा और लोन पेयर वाला है, पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा लोन पेयर वाला। तो सबसे पहले क्या होगा, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये लोन पेयर के शिफ्ट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस साइड में चला जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, सबसे पहले सी एच टू पॉजिटिव, सी एच यहाँ नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, सी एच डबल बॉन्ड ओ एच और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे क्या बनेगा, ये मिलके क्या बना लेंगे, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव बना लेंगे। अब इसका अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ हम हाइब्रिड बनाते हैं तो जो कॉमन है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे, उसके बाद में देखिए पाई बॉन्ड यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसके बाद में पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये होती है हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आज हम क्लास को ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। थैंक यू।